आपको मुंबई के 112 साल पुराने सुरंग में हम लिए चलते हैं। ये सुरंग मुंबई के सीएसटी में है, जिसे रेलवे स्टेशन के नीचे तहखाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 112 साल बाद सुरंग का दोबारा से इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। 1888 में इसे रेलवे के लिए बनाया गया था, जिसमें कैश और सिक्के रखे जाते थे। तहखाने में पैसों की गिनती की जाती थी और इसी सुरंग के रास्ते से सारे पैसे बैंक भेज दिए जाते थे। आपको दिखा देंगे कि ये लिफ्ट होती थी कैश ऑफिस, ये लिफ्ट सीधे यहाँ पर आती थी, जिनमें कैश की पेटियाँ होती थी और इस इलाके में जो है कैश की काउंटिंग की जाती थी। आपको इस तरीके से देखिए, ये पेटी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ब्रिटिश ज़माने में भी यहीं पर जो है कैश की काउंटिंग की जाती थी और जो है पैसे RBI तक दिए जाते थे। बहुत पुराने समय का आपको लॉकर भी दिख जाएगा यहाँ पर, और यही वो रास्ता है जो तहखाने तक जाता है और जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है जो RBI तक जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ज़माने का ये स्टेशन है और इसीलिए ये खासियत है इस स्टेशन की, ये हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में आता है और ये एक रास्ता अब जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस ज़माने में किस तरीके से जो CST स्टेशन है, ब्रिटिश ज़माने में किस तरीके से यहाँ कैश जो है जमा किया जाता था। और ये वो इलाका है आपको दिखा रहे हैं, ये तहखाना है जहाँ पर लिफ्ट के ज़रिए कैश के बॉक्स यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पर कैश की काउंटिंग होती थी। और सिक्कों से भरे बक्से को एक लिफ्ट के जरिए नीचे तहखाने तक भेजा जाता था और नीचे इसे जमा किया जाता था। आपको दिखाते हैं कविता शर्मा की एक और रिपोर्ट। उस ज़माने की एक लिफ्ट मौजूद है जिसमें कैश जितना भी जमा होता था टिकट काउंटर में, उस कैश को रखा जाता था और इस लिफ्ट के ज़रिए जो है ये कैश नीचे उस रास्ते तक पहुंचता था, जिसके बाद इसकी गिनती की जाती थी और उसके बाद ही उसी अंडरग्राउंड रास्ते के ज़रिए ये कैश जो है RBI तक पहुँचता था। आपको बता दें कि इससे पहले जो लिफ्ट है, पहले मैनुअल हुआ करती थी, यानी रस्सी के सहारे इसे ऊपर नीचे भेजा जाता था, लेकिन साल 1967 में, 28 मार्च 1967 में इसे जो है मैनुअल तरीके से बदलकर ये तरीका जो है यहाँ अपनाया गया। लिफ्ट को जो है चेन, जो यहाँ पर आपको चेन दिख रही है लोहे की, उसके ज़रिए और ये ऑटोमेटिक किया गया, जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे जा सकती है। और आपको मुंबई के तहखाने का पूरा राज हम बता देते हैं। ये तहखाना मुंबई के CST स्टेशन के नीचे बना हुआ है। पहले CST स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। 112 साल पुराना ये तहखाना, जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था, यानी कि साल 1888 में ये तहखाना तैयार किया गया। ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम ने इसे डिज़ाइन किया। यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया। तहखाने के दरवाजे का वजन 1000 किलो का है। तहखाने में रेल टिकट के पैसों को रखा जाता था। सिक्कों को नीचे लाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। सिक्कों को गिनने के बाद उसे बॉक्स में रखकर एक सुरंग से बैंक भेजा जाता था। सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि इस हेरिटेज तहखाने का दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा। CIPR रेलवे की जो सारी जो कैश और जमा पूंजी आती थी वो इकट्ठा करके एक तहखाने के अंदर स्थित स्ट्रांग रूम के अंदर ये सारा कैश और जमा इकट्ठा होती थी, वहाँ पर उसकी गिनती होती थी और वो सारी जो कैश है दूसरे दिन बैंकों में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाती थी।